आज हनुमान चौराहे पर सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार की श्रमिक जनविरोधी नीतियों, निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी के संबंध में SUCI कम्युनिस्ट व छात्र संगठन DSO ने महंगाई व बेरोजगारी के संबंध में हनुमान चौराहे पर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान जिला के वरिष्ठ सदस्य मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि 3 दिन में पेट्रोलियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $126 प्रति बैरल से घटकर $104 प्रति बैरल यानी 26% कमी होने के बावजूद 3 दिन में ही पेट्रोल डीजल पर ₹3 से अधिक की वृद्धि कर दी गई। सरकार द्वारा 8 घंटे की कार्यविधि को मालिकों के हित में कर दिया गया। जो मजदूर 8 घंटे कार्य करते थे, अब उनको 12 घंटे कार्य करना पड़ रहा है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते खाने पीने की वस्तुओं सहित तमाम उत्पादों और सेवाओं में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि जिससे आम जनता को आए दिन भरण पोषण के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर घर घर शराब नीति को लेकर बात की जाए तो इससे गली मोहल्लों में रहने वाले आम आदमी और भी त्रस्त हो जाएगा। मेहनत मजदूरी से आए हुए ऐसे जो भी अभी तक घर परिवार के भरण पोषण में जाते थे, उसका उपयोग अपने पड़ोस में मिलने वाली मदिरा को खरीदने में होगा, जिससे आए दिन घर परिवार में झगड़े, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और हमारा प्रदेश आगे बढ़ने की बजाय और पीछे होता चला जाएगा। सरकार को घर घर शराब नीति के संबंध में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। फास्ट समाचार के लिए गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज ही अखबार में आया कि $126 प्रति बैरल से घट के पेट्रोल की रेट हो गई है $104 प्रति बैरल। तो यहाँ जब दाम घटे हैं तो सरकार ने पिछले 3 दिन में ₹3 क्यों बढ़ाए हैं, ये आम जनता की समझ से बाहर है। दूसरी बात, हम रसोई गैस की करें तो 1000 से ऊपर रसोई सिलेंडर हो रहा है। वो कह रहे थे कि ₹250 जब था कि हम खातों में सब्सिडी देंगे, लेकिन सरकार ने सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दी। आज सिलेंडर 1000 के ऊपर पहुँच गया। इसी ढंग से हम अगर लाइट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पर 1.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइट का अकेला, और वो इसमें मात्र 1 रुपए की लीज पर पूंजीपतियों को दे रहा है। तो बताइए, अब जब ये महंगी हो जाएगी बिजली, वो कह रहा है कि ₹67,000 किसान को 5 हॉर्स पावर के लिए देना पड़ेगा। आम जनता के लिए सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो बिजली कितनी महंगी हो जाएगी। तो जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी जो सुविधाएँ थी जिसके लिए ये मोदी सरकार, शिवराज सरकार बैठी हुई है और बात करते थे कि ये नहीं हम कम करेंगे, इसको कम नहीं कर रहे हैं वो, बल्कि इनको और ज़्यादा बेच रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो रेल हो चाहे रेलवे हो, इनको वो बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। रोजगार सड़कों पर मारा फिर रहा है रोजगार की तलाश में, लेकिन वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, जबकि शराब को बढ़ावा दे रहा है। अभी सरकार ने स्पष्ट, शिवराज सरकार ने बोला कि शराब अब घर घर में पहुंचाई जाएगी। घर घर में उन्होंने उसकी लिमिट रखने की छूट दे दी है, परचून की दुकानों पर शराब बिकेगी। तो बताइए कि जब शराब इतनी सस्ती होगी, इतना आसानी से उपलब्ध होगी, तो नौजवान पीढ़ी जो आज विरोध कर रही है वो विरोध नहीं कर पाएगी, उनको बल्कि उनके नशे में धुत नशेड़ी बन जाएगी। तो इन सब तमाम मांगों को लेकर आज पूरे देश भर में ऑल इंडिया स्ट्राइक है। इसमें हम यहाँ पर SUCI की तरफ से हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। यही